और सिंघू बॉर्डर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, आपको बताएं संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक खत्म हो गई है, किसानों की ट्रैक्टर रैली टल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आते हुए, ज्यादातर किसान संगठन रैली के पक्ष में नहीं है, ये सूत्र बता रहे हैं। 29 नवंबर को किसानों ने एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था, संसद मार्च का नाम दिया गया था इसको, लेकिन 3 बजे अभी किसान मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस बारे में और ज्यादा जानकारी दी जाएगी। विपिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विपिन, तो क्या हुआ इस मोर्चे की, संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में, और ट्रैक्टर रैली टलने का फैसला क्या हो चुका है? जी हाँ, अब ये खबर कंफर्म हो चुकी है कि 29 तारीख को संसद के घेराव का कार्यक्रम जो था, ट्रैक्टर रैली से संसद पहुंचने का जो कार्यक्रम था, वो किसानों ने फिलहाल रद्द कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ा इसका कारण ये रहा कि लगभग 40 से ज्यादा किसान संगठन आज संयुक्त किसान मोर्चे की बुलाई गई इस महापंचायत में शामिल हुए, और हर जो किसान संगठन था उसने अपना रुख साफ किया, और उसमें 2 बातों का जिक्र किया गया कि सरकार किसानों की मांग को लेकर कंसिडरिंग पोजिशन में है, जो प्रधानमंत्री ने कहा, और उसके बाद आज जो केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, उसके बाद किसानों ने माना कि अगर सरकार एक कदम चल रही है तो हमको भी थोड़ा आगे बढ़ के एक अच्छे जेस्चर का परिचय देना चाहिए और इतना रिजिड नहीं रहना चाहिए, खासकर तब जब यह ऐलान किया गया हो कि 29 तारीख को संसद के पहले सत्र के पहले दिन ही जो 3 केंद्रीय कृषि कानून है उनको सरकार वापस लेने जा रही है, तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सरकार को मौका देना चाहिए। जबकि ये सरकार ऐलान कर चुकी है, जो कमेटी बनाई जा रही है एमएसपी को लेकर, उसमें किसान संगठन भी होंगे, किसान भी होंगे और तमाम लोग शामिल होंगे। तो विपिन, किसी से कोई बातचीत हो सकती है? अगर आप संभव हो, किसी किसान कोई वहां पर जो हो लोग, उनसे बातचीत हो सकती है इस बारे में? देखिए, किसान संगठन से जो जुड़े पदाधिकारी हैं वो अभी भी अंदर हैं, 10 मिनट बाद बाहर निकलेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, वह मैं उनसे आपकी बात करवा सकता हूं कि वो लोग क्या सोचते हैं, लेकिन वो भी इंतजार कर रहे हैं कि 3 बजे जब इसके औपचारिक ऐलान हो जाएगा तब उसके बाद हम कुछ बोल सकेंगे, क्योंकि अभी संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो अभी भी अंदर हैं और 3 बजे वो बाहर निकलेंगे, और वो औपचारिक घोषणा करने के बाद ही कोई कुछ इस बारे में बोलने की स्थिति में होगा। जी ठीक है, चलिए विपिन, हम इंतजार करेंगे, अब संयुक्त किसान मोर्चा के अधिकारी आए सामने और बताएं कि उन्होंने क्या डिसाइड किया। लेकिन आप जो खबर दे रहे हैं उसके मुताबिक 29 नवंबर को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली रद्द हो चुकी है, टल गई है। किसान मोर्चा के नेता ये कह रहे हैं कि अब थोड़ा उनको भी अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए, अगर सरकार ने किसान कानूनों को अब कैंसिल कर दिया है तो वापस ले लिया है तो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।